जी बेटा, ये आपकी बुक का चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, उसके स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस हैं, आपने लेवल करना है इन डायग्राम्स को। सो दिस इज मॉर्टार एंड पेसल, दिस इज ग्लास रॉड, दिस वन इज ट्राईपॉड स्टैंड एंड द लास्ट डी पार्ट में क्या नज़र आ रहे हैं हमें, बंसन बर्नर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन और पेज नंबर 96 पे है, कंप्लीट द बॉक्सेस वो हम कर चुके हैं। What name is given to the separation method in C? C में हमें क्या नज़र आ रहा है, फिल्ट्रेशन का मेथड नज़र आ रहा है। फिल्ट्रेशन C में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। देन क्या, विच ऑपरेटर्स वुड बी मोस्ट सुटेबल टू अपटेन क्रिस्टल्स फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उसको क्रिस्टलाइज या उसको सेचुरेशन पॉइंट तक हीट करते हैं, यानी उसके लिए हमें जो डी ऑपरेटर्स है वो अब यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर टू में कुछ डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन की डिमांड है कि विच ऑफ दीज मैथड्स ए बी सी डी इज़ यूज, ठीक है, बेस्ट यूज फॉर। ए हम कहते हैं कि नंबर वन, सेपरेटिंग अ डिफरेंट कलर्स, तो कलर को डिफरेंट सेपरेट करना है, वी विल गो फॉर क्रोमेटोग्राफी, यानी बी। सेपरेटिंग टू लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, हम ऑपरेटर्स ए यूज़ करेंगे, यानी सिंपल डिस्टिलेशन। सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर, तो हम ऑपरेटर सी यानी फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। और मेकिंग क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर टू कॉपर सल्फेट फ्रॉम द कॉपर टू सल्फेट, तो हम ऑपरेटर्स डी यूज करेंगे, ठीक है, एवापोरेट करेंगे उसको। देन बी में कहता है स्टेट द नेम गिवन टू द मेथड ऑफ सेपरेशन शोन इन डायग्राम ए। इन डायग्राम ए वी हैव सिंपल डिस्टिलेशन, तो वर्ड सिंपल लिखना बेहद ज़रूरी है। और अब डायग्राम बी में क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी। देन अगेन वी हैव अ डायग्राम और इसमें हम बॉक्सेस को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द एम्प्टी बॉक्सेस। दिस वन इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विद कंटेनिंग ग्लास बीड्स, दिस वन इज लाइबिक कंडेंसर, दिस वन इज बीकर। देन इंडिकेट एन एरो वेयर द हीट इज सप्लाइड, तो हम हीट कहाँ सप्लाई करेंगे, इस जगह डिस्टिलेशन फ्लास्क के बिल्कुल नीचे, यहाँ आप एरो बना लेंगे, ठीक है। नेम दिस सेपरेशन मैथ प्रोसेस, तो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल लिखना बेहद ज़रूरी है। देन एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट ने कुछ चीज़ों को क्या किया है, इनलिस्ट किया है और उसके पॉइंट्स बनाए हैं। देन हमसे डिमांड क्या है, वाई शुड द स्वीट्स बी क्रश टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया सो दैट इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, सो दैट इट कैन डिजॉल्व ईजीली। वाई शुड द एक्सपेरिमेंट why should the experiment be carried out in well ventilated laboratory so that the toxic gases may not stay inside the laboratory, theek hai। Next question, state one safety precaution that the student have taken other than carrying out the experiment in well ventilated laboratory and using eye protection, तो हम क्या कर लें, डायरेक्ट उसको सेव करने के लिए गैस मास्क यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टेट द पर्पज ऑफ द वॉच ग्लास नॉट अलाउ द गैसेज टू स्केप और इन, ठीक है, जो कंटेनर हमारे पास है उसमें हम क्या करेंगे, नॉट अलाउ द गैसेज टू स्केप और इन, ठीक है, ना ही उनको हम वहाँ से स्केप होने देंगे, ना ही कोई और एक्स्ट्रा एयर या गैसेस को इन होने देते हैं, उसके लिए हम वी यूज़ द वॉच ग्लास। एक्सप्लेन द टर्म डीकेंट, द शिफ्टिंग ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट हाउ स्टूडेंट कुड कैरीड आउट इंस्ट्रक्शन सिक्स, यू मे ड्रॉ द डायग्राम इन इंस्ट्रक्शन सिक्स, उसमें क्या कह रहा है ज़रा उसको भी रीड कर ले। इंस्ट्रक्शन सिक्स, इन्वेस्टिगेट विच कलर आर प्रेजेंट इन द ऑरेंज सोल्यूशन, सो हमें क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ बड़ी डिटेल से आपने क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। टेक अ क्रोमेटोग्राम, मार्क अ बेस लाइन विद द लेड पेंसिल एंड प्लेस द और जो कलर है सैम्पल है उसको यूजिंग द ड्रॉपर, ठीक है, लेट इट ड्राई एंड देन टेक अ क्रोमेटोग्राम, एड सूटेबल सॉल्वेंट, नाउ सस्पेंड द क्रोमेटोग्राम, ड्राई क्रोमेटोग्राम यूजिंग द पेपर क्लिप सो दैट द सॉल्वेंट लेवल मस्ट रिमेन बिलो द बेस लाइन, ओके, एंड देन लेट इट स्टैंड फॉर 7 to 8 hours, ठीक है। आफ्टर दैट आप इसको क्या करें, बाहर निकालें एंड देन ड्राई इट, ड्राई करने के बाद मेजर द आर एफ वैल्यूज एंड देन फाइनली वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन कि उसमें हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट, ओके, यानी पूरा क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस आपने एक्सप्लेन कर देना है।
क्वेश्चन नंबर थ्री है, अगेन डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस है कि क्रशिंग हो रही है, क्रशिंग के बाद उसमें वाटर ऐड हो रहा है, वाटर होने के बाद उसमें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं एंड देन फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो पूछता है कि आइडेंटिफाई द पीस ऑफ द ऑपरेटस लेबल्ड ए, वेयर इज ए, ए को हम क्या कहते हैं, फिल्टर फनल और ग्लास फनल, ठीक है। देन बी, बी इज टाइट्रेशन फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉनिकल फ्लास्क बोलेंगे। एंड सी, वेयर इज ऑपरेटर सी, ऑपरेटर सी इज ड्रॉपर, ऑपरेटर सी इज ड्रॉपर। देन व्हाई वाज द सॉइल क्रश, अगेन वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, सो दैट इट इंक्रीज और वी हैव द मोर सर्फेस एरिया सो दैट इट कैन बी डिजॉल्व ईजीली। वाई शुड द सॉइल सैम्पल्स बी टेकन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉइल सो दैट वी मे हैव द नॉलेज अबाउट द पी एच ऑफ द ऑल द सॉइल, जो हमारे पास अवेलेबल एरिया है उस पूरी सॉइल का क्या मिल जाए, हमें आइडिया मिल जाए कि उसकी पी एच क्या है। सजेस्ट वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द पी एच ऑफ सॉइल टू ग्रो द क्रॉप्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि डिफरेंट पी एच पर क्या करती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करती हैं, सारी क्रॉप्स एक जैसी पी एच पर ग्रो नहीं करती। सिक्स में कहता है कि प्लांट्स मेक द वराइटी ऑफ द कलर पिगमेंट्स, अगेन उसने क्रोमेटोग्राफी को क्या किया है, परफॉर्म किया है। व्हाट इज नेम गिवन, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी और सिंपल क्रोमेटोग्राफी। देन विच प्लांट कंटेंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स, तो हम इसको यहाँ देख के काउंट कर सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा है, तो आप खुद देख लें। अब मेरे ख्याल में एस में फोर हैं, बाकी सब में थ्री थ्री हैं, तो एस में सबसे ज़्यादा पिगमेंट नज़र आ रहे हैं। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज विच टू प्लांट्स कंटेन द सेम पिगमेंट्स, अगेन हम क्या करेंगे, आर एफ वैल्यूज मैच करेंगे और उनमें देख लेंगे, देखें ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है और ये भी, यानी आर एंड टी हैव द सेम पिगमेंट्स।